दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच पहला वनडे मैच खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से हमें काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और भारतीय टीम ने इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि 13 रन के स्कोर पर ही उनको पहला बड़ा झटका मोहम्मद सिराज ने देते हुए साई होप को क्लीन बोल्ड मार दिया था और होप बस 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद 12वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटके देते हुए ब्रैंडन किंग और डेरन ब्रावो को आउट कर दिया था। जहां ब्रैंडन किंग 13 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं डेरन ब्रावो 18 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां दूसरी तरफ खड़े निकोलस पूरन इस मैच में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी 71 रन के स्कोर पर युजवेंद्र चहल ने वेस्टइंडीज की टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटके देते हुए निकोलस पूरन और कायरन पोलार्ड को आउट कर दिया। जहां पूरन 18 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं पोलार्ड अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। जहां वेस्टइंडीज की आधी टीम 71 रन के स्कोर पर आउट हो चुकी थी, वहीं इसके बाद 78 रन के स्कोर पर शर्मा ब्रुक्स भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हो बैठे। और वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में अकील हुसैन को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया और अकील हुसैन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां वेस्टइंडीज की टीम की हालत एकदम बेकार हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद बैटिंग करने उतरे फाबियन एलन और इसके बाद उन्होंने जेसन होल्डर के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद 8वें विकेट के लिए 78 रनों की पार्टनरशिप करी थी। और इसी बीच जेसन होल्डर ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन तभी 157 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 8वां बड़ा झटका वॉशिंगटन सुंदर ने देते हुए फाबियन एलन को भी आउट कर दिया और एलन 29 रन बनाकर आउट हुए। जहां दूसरी तरफ खड़े जेसन होल्डर काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 167 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 9वां सबसे बड़ा झटका प्रसिद्ध कृष्णा ने देते हुए जेसन होल्डर को आउट कर दिया और होल्डर 57 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद 176 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 10वां बड़ा झटका युजवेंद्र चहल ने देते हुए अजराली जोसेफ को आउट कर दिया और जोसेफ 13 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और मात्र 176 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई थी। जहां भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में युजवेंद्र चहल को सबसे ज्यादा 4 विकेट हाथ लगी, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को भी 2 विकेट हाथ लगी और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट झटका था। और वहीं जब इसके बाद भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही शानदार रही थी, जहां कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन अंदाज में करवाई थी। जहां रोहित शर्मा ने तो मात्र 42 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। जहां इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी, लेकिन तभी 14वें ओवर में अजराली जोसेफ ने एक ही ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देते हुए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट कर दिया था। जहां कप्तान रोहित शर्मा 60 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे, तो वहीं विराट कोहली मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। जहां एक तरफ ईशान किशन काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको भी 115 रन के स्कोर पर अकील हुसैन ने आउट कर दिया और ईशान किशन 28 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद अगले ही ओवर में ऋषभ पंत अजराली जोसेफ के हाथों रन आउट हो गए और ऋषभ पंत 11 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन इसके बाद दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव ने इसके बाद भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद 62 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप करी और इन दोनों बल्लेबाजों ने 28वें ओवर में ही भारतीय टीम को इस मैच में 6 विकेटों से जीत दिलवा दी। जहां दीपक हुड्डा 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं सूर्य कुमार यादव भी 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इसी के साथ भारतीय टीम ये मैच 6 विकेट के बड़े अंतर से और 22 ओवर पहले जीती है।